1606 में आज ही के दिन शेक्सपियर ने अपने लोकप्रिय नाटक किंग लियर को पहली बार इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के दरबार में पेश किया था। 1716 में आज ही के दिन 18वीं शताब्दी के प्रसिद्ध अंग्रेजी कवियों में से एक थॉमस ग्रे का जन्म हुआ। थॉमस ग्रे ने पोप और उनकी क्लासिक की परंपरा के विरुद्ध कविता के क्षेत्र में रोमांटिक तत्व को सबसे पहले महत्व दिया। 1748 में आज ही के दिन फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच दक्षिण हॉलैंड को लेकर समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। 1831 में आज ही के दिन कवि हेनरी लुईस विवियन डोरेजियो का कलकत्ता में निधन हुआ था। 1929 में आज ही के दिन गुजराती साहित्यकार तारक मेहता का जन्म हुआ। तारक मेहता का साप्ताहिक लेख पहली बार मार्च 1971 में चित्रलेखा नामक एक साप्ताहिक अखबार में आया था। तारक मेहता को वर्ष 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1935 में आज ही के दिन भारतीय समाज सेवी महिला माबेला अरुल का जन्म हुआ। उन्हें ग्रामीण स्वास्थ्य परियोजना में सामुदायिक नेतृत्व करने के लिए 1979 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 1977 में आज के दिन सोवियत संघ ने पूर्वी कजाक क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया। 1978 में आज के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जेल से रिहा किया गया था। आज के दिन 1989 में प्रसिद्ध भारतीय कार्टूनिस्ट के शंकर पिल्लई का निधन हुआ। भारत में उन्हें राजनीतिक कार्टून का जनक माना जाता है। उन्होंने सन 1957 में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट और 1965 में अंतर्राष्ट्रीय गुड़िया संग्रहालय की स्थापना की। के शंकर पिल्लई को वर्ष 1966 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। 1999 में आज ही के दिन भारत के नवे राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का निधन हुआ था। साल 2004 में आज ही के दिन हिंद महासागर में सुनामी आने के कारण 2.5 लाख लोगों की मौत हो गई। महासागर में 9.15 की तीव्रता वाले भूकंप ने सुनामी की थी। साल 2006 में आज के दिन शेन वॉन ने अंतरराष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में 700 विकेट लेकर इतिहास रचा था। साल 2012 में आज के दिन चीन की राजधानी बीजिंग से ग्वांगजू शहर तक बनाए गए दुनिया के सबसे लंबे हाई स्पीड रेल मार्ग को खोला गया था।